हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा पोको C51 फ़ोन है, तो पोको C51 फ़ोन के कैमरा ऑप्शंस पे जाकर कैसे आप फुल स्क्रीन कैमरा का यूज़ कैसे कर सकते हैं। और जैसे आप फुल स्क्रीन कैमरा कर लेते हैं तो उसके आप यूज़ कैसे करके फ़ोटो क्लिक वगैरह कैसे कर पाएंगे, तो आज हम बताने वाले हैं कि आप कैसे पोको C51 फ़ोन में फुल स्क्रीन कैमरा का यूज़ कर सकते हैं पोको फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, सिंपली स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन आएंगे। फिर आपको कैमरा आइकन्स पे जाना है और क्लिक करते जो फ़ोन का कैमरा है हमारे फ़ोन में कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा, जैसे हम कैमरा पे आ चुके हैं। तो आप कैमरा का यूज़ करके फुल स्क्रीन कैमरा का यूज़ कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे फ़ोन में कुछ इस तरीके से कैमरा हमने ओपन कर लिया है। तो फुल स्क्रीन करने के लिए आपको फुल ऑप्शंस पर क्लिक करना है और जो कैमरा साइज़ है आपका फुल साइज़ में हो जाएगा। देखते हैं फुल साइज़ में हो गया है। जब आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो फ़ोटोज़ भी हमारे फ़ोन में फुल स्क्रीन में आ जाएगी और कुछ इस तरीके से फुल स्क्रीन में हमारी फ़ोटोज़ क्लिक हो जाएंगी। इस तरीके से फुल स्क्रीन में भी आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं कैमरा ऑप्शन का यूज़ करके आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं, जो फ़ोटोज़ से फुल स्क्रीन में आ जाती हैं। जैसे थ्री डॉट पर जाते हैं, थ्री डॉट पर जाकर आप कैमरा फ्रेम साइज़ को स्मॉल साइज़ में भी कर सकते हैं, तो जो कैमरा फ्रेम साइज़ है आपके फ़ोन में स्मॉल साइज़ में हो जाएगा और स्मॉल टाइप के आपकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक होंगी। इस तरीके से आप इसके ज़रिए देख सकते हैं। अब इसको मीडियम साइज़ में भी कर सकते हैं, मीडियम साइज़ का कैमरा आपके फ़ोन में इस तरीके से शो करेगा। इस तरीके से हमारे पास और भी ऑप्शन आता है 9:16 फ्रेम, जो आपका कुछ इस तरीके से फुल साइज़ में हाफ साइज़ में शो करता है। तो इस तरीके से फुल साइज़ कैमरा का यूज़ कर सकते हैं पोको फ़ोन की कैमरा ऑप्शन पर जाकर। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाने ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।